सुबह आपने सुना था कि वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन है, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ कौन सा स्थान है? राधा कुंड है। तो ये राधा कुंड सर्वोत्तम स्थली है ब्रज की, इससे परे कुछ अन्य स्थान नहीं है। राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का ये सबसे महत्वपूर्ण स्थली है, इसलिए जो गौड़िया वैष्णव गण है वो यहाँ आकर भजन आदि करने की इच्छा रखते हैं। हमारे संप्रदाय के महान आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य कई सारे गोस्वामी इसके तट पर निवास किए हैं और यहाँ ही भजन की पूर्ति की है। कई सारे ग्रंथों में वर्णन आता है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार राधा कुंड में स्नान कर लेता है तो उसे कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। बल्कि ये राधा कुंड कोई प्रचार के लिए नहीं है, राधा कुंड भगवान के भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए है। एक बार श्रील प्रभुपाद के पास उनका एक शिष्य जाता है और वो कहता है, प्रभुपाद हमारा वृंदावन में मंदिर है, हम राधा कुंड में भी एक मंदिर खोलते हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा, क्यों राधा कुंड में मंदिर चाहिए तुम्हें? कहते हैं कि हम प्रचार करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि राधा कुंड प्रचार करने के लिए नहीं है, राधा कुंड भगवत भक्ति का आस्वादन करने का स्थल है और ये राधा रानी का सर्वोत्तम प्रिय स्थली है। इसलिए जो बड़े बड़े वैष्णव गण है भगवान से यही कामना करते हैं कि कब वो समय आएगा कि हमें राधा कुंड के तट पर निवास करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और राधा कृष्ण की सेवा हम अपने हृदय मन आदि से कर सके। तो ऐसा राधा कुंड साक्षात राधा रानी से अभिन्न है। ये जो जल है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पूछा कि आप क्यों नहीं राधा कुंड में स्नान करते हैं, उन्होंने कहा मैं अपना पाँव राधा कुंड को नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये साक्षात क्या है, राधा रानी है, ऐसी उनकी सर्वोच्च भावना थी। तो इसलिए ये साधारण कुंड या साधारण जल नहीं है, ये गोलोक वृंदावन का जल है, साक्षात राधा रानी या राधा कृष्ण ये जल के रूप में यहाँ सदैव विराजमान है। इसलिए राधा रानी की सेवा की कामना रखने वाले जो वैष्णव गण है वो राधा कुंड के तट का आश्रय लेते हैं और यहाँ आकर राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस राधा कुंड शाश्वत है, ऐसे नहीं है कि अभी उसकी उत्पत्ति हुई है। ये राधा कुंड की उत्पत्ति श्रीमती राधा का ने अपने हाथों से की है। जब भगवान कृष्ण ब्रज में निवास कर रहे थे तो उस समय कंस के द्वारा अलग अलग आसुर आया करते थे, उसमें से एक आसुर था अरिष्टासुर, बैल के रूप में आया था। उसकी पूछ इतनी बड़ी थी कि बादलों से ऊपर चली जाती थी। तो जब वो आया तो ये अरिष्ट ग्राम, इस गांव का नाम क्या था? अरिष्ट ग्राम, अभी इसको राधा कुंड गाँव कहते हैं। तो अरिष्ट ग्राम में जब वो आया तो वो अरिष्ट असुर और फिर यहाँ उत्पात मचाने लगा, गायें डरने लगी, स्त्रियां डरने लगी, सारे लोग डरने लगे। वो कृष्ण को ढूंढ रहा था, कहाँ है कृष्ण? तो कृष्ण उनके समीप आते हैं, सामने आते हैं और जैसे कृष्ण को देखता है, कृष्ण को मारने का प्रयास करता है तो कृष्ण उसकी पूंछ पकड़ के उसको घुमा घुमा के मार डालते हैं। तो इतने बलशाली पावरफुल अरिष्टासुर का भगवान ने वध किया जो गोवंश या बैल के रूप में था। तो ये सखिया राधा रानी आदि कृष्ण को कहने लगी कि आपको गो हत्या का पाप लगा है, आपको क्या करना होगा, पृथ्वी के सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा आपको। तो कृष्ण कहते मैं जाऊंगा नहीं, जैसे मानसी गंगा की ओर भगवान ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राधा रानी और ये सखिया बहुत वो करने लगी। तो कृष्ण ने कहा मैं क्या करूंगा, सारे तीर्थों को यहाँ बुलाऊंगा। तो उस समय कृष्ण ने इसकी उस तरफ कुंड है जिसको कृष्ण कुंड कहते हैं या श्याम कुंड कहते हैं, कृष्ण ने सारे जो पृथ्वी की नदियाँ तीर्थ आदि हैं सबको आह्वान किया और वो सारी नदियाँ तीर्थ आदि मूर्तिमान रूप में ऐसे प्रकट हो गए और अपना हाथ मुद्रा के रूप में करते हुए उनको कहा कि हे कृष्ण हम गंगा है, यमुना है, सरस्वती आदि है। तो सारे तीर्थ वह प्रकट हो गए
भगवान कृष्ण की सेवा के लिए और वो सारे तीर्थ अपना नाम ले लेकर उसमें कुंड उस गड्ढे में जो कृष्ण ने अपने पाव का आघात किया था अरिष्टासुर को मारते समय, जिसके कारण वो कुंड बना था और जिसमें सारे ये सारे मूर्तिमान रूप नदियां सब आ गए, हाथ जोड़ के अपना नाम लेते थे, उसमें कूदते थे। तो ऐसे वो पूरा भर गया और कृष्ण उसमें स्नान करने लगे। और फिर कृष्ण ने कहा, अभी मैंने तो स्नान किया है, लेकिन आप लोगों को पाप का भागीदार बनना पड़ेगा हे राधा रानी और हे गोपिकाओं। क्यों? क्योंकि आपने उस आसुर की बाजू साइड ली है, तो आपको भी स्नान करना होगा, आपको भी पवित्र होना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको भी सारे नदियों में स्नान करना होगा। तो कृष्ण ने कहा कि देखो, आपको कुंड का निर्माण करना पड़ेगा। तो सारे सखियों ने, राधा रानी ने अपने कंगन निकाले और कंगन से ये कुंड बनाया। इसके नीचे जब अभी लगभग 10 साल पहले इसकी जब सफाई हुई थी, तो नीचे कंगन कुंड है। राधा रानी ने अपने सखियों के समेत जिस कुंड का निर्माण किया था। और फिर राधा रानी ने कहा, हम आपका पानी नहीं लेंगे, आप नहाए हो, हम आपका पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सारा पानी कहाँ से लाएंगे? मानसी गंगा से लाएंगे। तो सारी गोपियाँ यहाँ से लाइन में खड़ी रही और मटके भर भर के एक दूसरे को पानी दे रही थी और यहाँ डाल रही थी। तो जितना मर्जी पानी डालो, वो क्या हो रहा था? भर ही नहीं रहा था। सारी सखियाँ थक गई, राधा रानी थक गई। तो उस समय कृष्ण ने कहा, अरे ले लो। तो सारे फिर मूर्तिमान सारे तीर्थ खड़े हो गए। राधा रानी को कहा, हे राधिका, आपके चरणों की सेवा करने का हमें अवसर प्रदान कीजिए। आपके चरणों की सेवा बहुत दुर्लभ है। श्याम सुंदर कृष्ण भी आपके चरणों की सेवा करते हैं, इतना बड़ा आपका रूप है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करना हमारे लिए संभव नहीं है, हमें राधा रानी के माध्यम से कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जैसे प्रभुपाद ने कहा कि आप कृष्ण को फ्लावर ऑफर करना चाहते हो, तो आप राधा रानी के हाथ में दे दो। वो किसको प्रदान करेंगे? कृष्ण को। और कृष्ण में हिम्मत नहीं है कि वो मना कर सके, मुझे फ्लावर नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद कहते, यही सीक्रेट है भक्ति का। और राधा रानी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? गुरुजनों के माध्यम से हम कहाँ अप्रोच करते हैं? राधा रानी को अप्रोच करते हैं। तो ये वह परंपरा प्राप्त। इस प्रकार से हमारा जो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है, और जिसमें राधा रानी की सर्वोच्चता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, कृष्ण की इसलिए हम आराधना करते हैं क्योंकि वो हमारे राधा रानी के प्रिय हैं। यदि हमारे राधा रानी के प्रिय कृष्ण नहीं होते ना, तो कृष्ण को हम पूछेंगे नहीं कभी, ऐसा भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे। मतलब भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि हम राधा रानी के कैंप, दो कैंप है, कृष्ण का है और एक राधा रानी का ग्रुप है। तो हम कृष्ण के ग्रुप वाले नहीं है, हम कौन से ग्रुप वाले है? कौन से? राधा रानी के ग्रुप वाले हैं। इस प्रकार से राधा रानी की जो सेवा है, वैष्णवों के अनुगत होकर, गुरुजनों के अनुगत होकर सेवा करते हैं, तो राधा रानी की सेवा होती है। केवल ऐसे बोलने से राधे राधे जपा करो आएंगे बिहारी, या शाम मिला दो, क्या था वो कल, राधे राधे शाम मिला दो, हाँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। गुरु वैष्णव आदि के माध्यम से राधा रानी को प्रसन्न करना होगा। केवल ये सस्ते सॉन्ग गाने से राधा रानी प्रसन्न होती नहीं है। हरि नाम लेना होगा, कृष्ण नाम लेना होगा, जब राधा रानी प्रसन्न होती है। इसलिए राधा रानी नाम और वैष्णव सेवा से प्रसन्न होती है। श्यामानंद प्रभु एक महान आचार्य हुए हैं, वो झाड़ू लगाते थे, वैष्णव वहां से गुजरेंगे, इसलिए केवल वो कार्य करने मात्र से राधा रानी का नुपुर उनको प्राप्त होता है और राधा रानी की कृपा उनको मिलती है। तो ऐसे हजारों हजारों उदाहरण है। तेर कदम में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे वैष्णव की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की कि उनको मैं खीर खिलाना चाहता, वो आए हैं, तो उनके पास कुछ नहीं था, केवल ये वैष्णव सेवा के डिजायर के कारण राधा रानी ने क्या किया, स्वयं लेके आ गई, वहां पहुंच गई। और कोई व्यक्ति नाम करता है, या राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी, कोई कुटिया नहीं थी, या पेड़ पौधे थे, कुछ अन्य घर कुछ नहीं था, और रघुनाथ दास गोस्वामी बैठ के हरिनाम लेते थे,
और वो धूप होती थी, धूप में बैठ के हरे नाम लेते थे पूरी कड़ी धूप में। तो राधा रानी का हृदय द्रवित होता है कोई हरे नाम लेता है अधिक से अधिक कंटिन्यूअसली, और राधा रानी आती है अपना पल्लू उसके ऊपर क्या करती है, रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर ऐसे पकड़ लेती है। तो प्रिय बनना है राधा रानी का तो केवल राधे राधे करने से नहीं चलेगा, या राधे राधे करो चले आएंगे बिहारी ऐसा तो नहीं, तो लेकिन उसके लिए दो चीजें आवश्यक है, एक है नाम करना और दूसरा वैष्णव की गुरुजनों की सेवा आदि करना, वैष्णव की सेवा। ये हजारों उदाहरण है जिन ये दो करने मात्र से राधा रानी ने क्या की है, कृपा किया। अरे हरि नाम ले रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी और यहाँ पानी पीने के लिए शेर आते थे राधा कुंड में, तो कृष्ण ऐसे एक स्टिक लेकर खड़े होते थे कि शेर इनको डिस्टर्ब ना करे क्योंकि ये जप कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद ने इतनी सरल सबसे पावरफुल और सारे स्क्रिप्चर सबका सार दिया है, बस जो दिया है उसको क्या करना है, गंभीरता से दृढ़ता के साथ निष्ठा के साथ करना है। तो ऐसे राधा रानी को जब सारे तीर्थों ने अप्रोच किया आपके हमें चरण की सेवा दीजिए हम धन्य हो जाएंगे, तो सारे तीर्थों को अलाव किया, कृष्ण ने कहा करो कृपा इनके ऊपर, तो कृपा की तो सारे तीर्थ इसमें आ गए और राधा रानी स्नान करने लगी, तो कृष्ण भी स्नान करने लगे, राधा कृष्ण की जल क्रीड़ा की ये स्थली है। तो फिर कृष्ण ने कहा ये राधा कुंड मुझे बहुत प्रिय है, ये राधिका जिस प्रकार से आप मुझे प्रिय हो, जो व्यक्ति इसमें स्नान करेगा उसको मैं प्रेम दान करूंगी, ऐसे उन्होंने कहा। हाँ कृष्ण कुंड का भी वैसे, तो दोनों के बीच में एक पानी का ये क्या कहते हैं उसको, इधर ये श्याम राधा कुंड है उधर श्याम कुंड है, बीच में एक दूसरे का पानी कनेक्टेड है, इसका पानी उधर जा रहा है उसका पानी इधर आ रहा है, तो ये क्षीर सागर आध्यात्मिक जगत का जल है। राधा कुंड बहुला अष्टमी का प्राकट्य समय है, उस समय उस दिन जिसमें से दूध की धारा निकलती है पूरा सफ़ेद हो जाता है, वो जो तिथि आती है प्राकट्य तिथि अपने आप पूरा कुंड क्या होता है, हाँ क्षीर सागर का जल भी है इसमें। क्षीर सागर मतलब जहाँ विष्णु शयन करते हैं, ब्रह्मा जहाँ प्रार्थना के लिए जाते हैं ना मिल्क ओशन, हाँ वो सारा यहाँ जल उत्पन्न हो जाता है। तो ये विशेष विशेष स्थली है, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे उन्होंने यहाँ आश्रय लिया और यहाँ रहकर भजन करने लगे, और उन दिनों मतलब 450 साल पहले ऐसे नहीं था, चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए तो ये दो खेत थे धान के खेत थे, चैतन्य महाप्रभु आए ये वृंदावन जो देख रहे हो आप जितने कुंड मंदिर सब कुछ, ये चैतन्य महाप्रभु और उनके गोस्वामियों की देन है, उनके कारण ये वृंदावन उजागर हो गया है। कृष्ण गए तो ये धाम भी एक प्रकार से नष्ट ही हो गया था, कुछ नहीं था, दिखता नहीं था, ना कुंड दिखते थे ना कुछ दिखता था, तो ये गोस्वामियों की और महाप्रभु के अनुयायियों की देन है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब थे तो एक साइड से मिट्टी था गड्ढा था, तो उस समय एक एक व्यक्ति धनाढ्य व्यक्ति बद्रीनाथ जा रहा था, और वो जा रहा था धन लेकर बद्रीनाथ की सेवा के लिए, जब रास्ते में जा रहा था तो बद्रीनाथ ने उनको स्वप्न में कहा अरे तुम यहाँ मत आओ, तुम्हारे सेवा की आवश्यकता ब्रज में है वृंदावन में है, राधा कुंड में चले जाओ, जा रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठे है विराजमान है, उनको ये धन दो जिसके द्वारा वो राधा कुंड की सेवा कर सकते हैं। तो वो धनी व्यक्ति आता है रघुनाथ दास गोस्वामी को वो धन देता है जिसके द्वारा ये साइड से जितने पत्थर आदि के जो कार्य थे रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस समय किए थे, कृष्ण कुंड और जो राधा कुंड है, तो राधा कुंड स्क्वेयर है हाँ, लेकिन जो कृष्ण कुंड है या श्याम कुंड है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्योंकि उसके तट पर जो वृक्षों के रूप में पांडव निवास कर रहे थे, जब इसका काम चल रहा था तो रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में आए पांडव, उन्होंने कहा हम वहाँ बैठकर भजन करते हैं, हमें वहाँ से हटाओ मत, हमें आश्रय प्रदान करो राधा कुंड के तट का, ब्रजवासियों का ब्रज का। तो फिर उनको वहाँ निवास उन्होंने कुछ किया नहीं और फिर वो वहाँ आश्रय लिए और पांडव भी भजन करने लगे। इसलिए ब्रज में ये सब वृक्ष लता पशु पक्षी साधारण नहीं है, ये महान महान महात्मा गण है, हाँ यहाँ भजन कर रहे हैं, भगवान का लीला स्मरण आदि कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि ब्रज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है,
और राधा कुंड सर्वोच्च स्थली है, त्रिभुवन में कोई ऐसा स्थल नहीं है, इससे परे और कुछ नहीं है, राधा कुंड से परे कोई अन्य चीज नहीं। इसलिए नित्यानंद प्रभु की जो भार्या है जानवा माता, ये उनका भजन स्थली है। जानवा माता उस समय गौड़िया संप्रदाय की महानतम आचार्य थी, जो आकर यहाँ निवास करते थी और यहाँ आकर भजन करते थे, तो ये उनका भजन स्थली है। और इसके पास ही रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि और भजन स्थली है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी विशेष विशेष आचार्य हैं, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को देखा अपने आँखों से जगन्नाथपुरी में, और यहाँ आकर रोज रघुनाथ दास गोस्वामी 3 घंटे के लिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पर कथा करते थे, और उसका श्रवण करने के लिए कृष्णदास कविराज बैठते थे एक डायरी लेकर, जो भी रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते थे कृष्णदास कविराज उसको लिखते थे, नोट्स बनाते थे। और फिर जब वृंदावन के वैष्णवों के हृदय में ये इच्छा हुई कि हमें चैतन्य महाप्रभु की परवर्ती लीला मीन्स संन्यास के बाद की जगन्नाथपुरी की लीलाओं को श्रवण करना है, तो उन्होंने कृष्णदास कविराज को अप्रोच किया कि हे कृष्णदास, आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुने हैं रघुनाथ दास गोस्वामी से, क्योंकि चैतन्य लीला का स्टोर हाउस रघुनाथ दास गोस्वामी का कंठ है। हाँ, तो ऐसे कहा गया था। और फिर कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत की रचना की इसी स्थान में, जब उनकी आयु 90 साल की थी। वो कहते मेरे हाथ मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है, लेकिन एक आश्चर्य क्या है, कैसे मैं लिख रहा हूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते मदन मोहन लिखाई ते मोरे, वो कहते कि ये जो ग्रंथ लिखा है ये मदन मोहन ने मेरे द्वारा लिखवाया है, ये साधारण कार्य नहीं है। तो इसलिए कृष्णदास कविराज का ये स्थल है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, ये राधा कुंड, मतलब जो 8 प्रमुख सखियां हैं उनके 8 कुंज हैं, इस 8 कुंज हैं जिसमें राधा कृष्ण अलग अलग लीलाओं के लिए उसमें विचरण करते हैं। तो ये बहुत उन्नत स्थली है जहाँ गोपिकाएं उनकी सेवा करती है राधा कृष्ण की, उनकी मंजरे आदि सेवा करती है, वो हमसे परे ये सारी चीज़ें। ऐसे कहते हैं राधा कुंड के भावना को वही समझ सकता है जो इस संसारिक काम भाव से लस्ट आदि से पूर्णता मुक्त है, अन्यथा किसी व्यक्ति के लिए राधा कुंड के इस रस भाव में प्रवेश नहीं है, ये साधारण नहीं है। इसलिए काम भाव से जब ऊपर जाएगा व्यक्ति, तो व्यक्ति ये राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझ सकता है, आकलन कर सकता है, अन्यथा सांसारिक व्यक्ति के लिए क्या है, जो इस भौतिक भोग के जीवन में पूर्णतः दिन रात निमग्न है। तो ये तभी संभव हो सकता है गुरु और वैष्णव की कृपा से, और सिंसियरली हम एफर्ट करते हैं, केवल कृपा ही नहीं, जब कृष्ण हमारा प्रयास देखते हैं, प्रयास प्लस प्रार्थना इज इक्वल टू सक्सेस। तो प्रयास करते रहेंगे और कृष्ण को सिंसियरली प्रेयर करेंगे, हाँ गुरु वैष्णव को प्रेयर करेंगे, क्योंकि भक्त के पास माया के विरोध में लड़ने के लिए एक ही पावरफुल वेपन है, और वो कौन सा है, प्रार्थना है। और प्रभुपाद कहते हैं प्रार्थना कई है, लेकिन सर्वोत्कृष्ट प्रार्थना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये राधा रानी के प्रति प्रार्थना है, राधिका आप हमें कृष्ण के सेवा में लगाइए, प्रदान कीजिए सेवा। तो इस प्रकार से आप हरे कृष्ण मंत्र को सीरियसली लीजिए, क्योंकि आप इतने भाग्यवान हो कि कृष्ण साक्षात इस नाम के रूप में आपके हाथ में है और आपके जीवा पर आ रहे हैं। इसलिए वो व्यक्ति सबसे दुर्भाग्यशाली है जिसके पास कृष्ण नाम आने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने छोड़ दिया है, क्योंकि जब पाप का बोझा होता है तो व्यक्ति की जीवा नाम नहीं ले पाती, क्यों हमें जप करने की इच्छा नहीं है, भौतिक पाप और विषय आदि में हमारा अनुराग है। लेकिन कोई कहेगा वो कैसे जाएगा, नाम करते रहने से चाहे मन जितना भटके, जो मर्जी हो, मुझे हरि नाम लेना है, मुझे उठते हरि नाम लेना है, खाली समय मिला है मुझे नाम हरि नाम लेना है। जब कृष्ण का नाम लेंगे तो कृष्ण बहुत दयाद्र है, हाँ बड़े बड़े पापी तापी आदि का उद्धार करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो नाम का आश्रय लीजिए, भगवान का नाम कलियुगा का साधन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलियुगा में भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए हैं,
इसलिए अपने जीवन में प्रतिदिन हरि नाम का उच्चारण जप आदि करते रहना चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने कहा अन्य कोई चीज नहीं है कलियुगा में, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यता। क्योंकि कलियुगा के लोगों को एक बार समझाने से समझ में नहीं आता, उनको बार बार बोलना पड़ता है ना, इसलिए तीन बार दिया गया है। हाँ, तो इसलिए हरे नाम को अपना ये बनाए, सबसे प्रिय वस्तु बनाइए। आप जानते हैं कृष्णा ने जो उनका गोलोक वृंदावन या वैकुंठ है, जैसे घर में तिजोरी होती है ना, आजकल बैंक में लॉकर्स होते हैं, हाँ, तो वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ में तिजोरी में कृष्ण ने क्या रखा है आपको पता करना है, या सोच सकते क्या रखा होगा कृष्ण ने अपने तिजोरी के अंदर लॉक करके, जो सबसे प्रिय चीज है ना, हम गहने धन रखते कि नहीं तिजोरी में, पूरा अलमारी के अंदर एक अलमारी, उसके अंदर एक फिर लॉकर, ऐसा रखते हैं। तो कृष्ण ने भी ऐसे ही रखा है, तो सबसे अंदर क्या रखा है, भगवान ने अपने नाम को रखा है, और वही तिजोरी तोड़ दिया इस कलियुगा में, वो तिजोरी तोड़ दिया। किसने तोड़ा? पांच व्यक्तियों ने मिलकर तोड़ा, वो है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये पांचों ने वो लॉकर तोड़ दिया और उसमें जो सर्वोच्च धन है ना कृष्ण नाम, उसको निकाला और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बांटना शुरू कर दिया। आनिया प्रेमेर वन्या चौधी के डुबाए, कहते प्रेम की बाढ़ ला दी और उस बाढ़ में चारों दिशाओं में सबको डुबो दिया। तो जो भाग्यशाली वो बाढ़ में डूबे रहे, हाँ, जैसे पार्वती देवी दुख व्यक्त करती है मायापुर में कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और सबको कृष्ण नाम में डुबो रहे हैं, मैं दुर्भाग्यशाली रह गई एक स्त्री कि मुझे भौतिक सेवा में लगा दिया, फिर वो कहती नहीं मुझे भी डूबना है कृष्ण प्रेम की बाढ़ में। तो वो फिर मायापुर में जाके तपस्या करती है पार्वती देवी और उनको कृष्ण मंत्र प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? हरिदास ठाकुर से प्राप्त होता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत कहता है माया दासी प्रेम मांगे इथे कि विस्मय। अरे माया दासी साक्षात कृष्ण प्रेम की याचना कर रही है हरिदास ठाकुर के पास, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। तो हमें बहुत सरलता से भगवान नाम मिला है और सारी चीजें मिली है, और ये हम खो देंगे तो सबसे दुर्भाग्यशाली इस जगत में हम ही होंगे और फिर से ये चांस नहीं मिलेगा। पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहु दुस्तारे। हाँ, फिर से माँ के छोटे से घर में जा, अच्छा लगता है क्या माँ के घर में जाना? आपको पता है हम सब माँ के इतने छोटे से प्लेस में जाके बैठे थे कुछ साल कुछ महीने, नहीं याद नहीं आते अभी, इतने कष्ट में थे। हाँ, तो इसलिए कृष्ण ने बहुत कृपा की है, उन्होंने वृंदावन दिया है, भक्त दिए है, प्रसाद दिए है, प्रभुपाद दिए है, बुक्स दिए है, मतलब क्या चाहिए, मतलब एक्चुअली बहुत धन देकर भी ऐसा लाइफ आप बियर नहीं कर सकते, इतना अच्छा लाइफ दिया है इतना। और देखो भगवान ने हाथ नाक कान आके सब ठीक दिए है ना, कितने हजारों लोगों के पास वो भी नहीं है। तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए हमेशा, एवरीडे, हर समय सोते समय कृष्णा आपको धन्यवाद है, आपने फिर भी आज मैं नहीं कर पाया, कृष्ण भावना आज भी नहीं पूरी हो गई, कल सुबह उठूंगा ना फिर से लगूंगा इस मैराथन में, फिर से अच्छे से जप करूंगा, अच्छे से भागवत पढ़ूंगा, अच्छे से कथा सुनूंगा, अच्छे से श्रवण करूंगा। फिर वो रात बीत गई नहीं हुआ, फिर से कृष्णा आज भी आपने देन दिया। विक्टोरिया जो पहली जो रानी थी वो तो सुबह उसकी सर्वेंट गई उसको उठाने, वो तो मरी पड़ी थी रात को ही सोते समय बेड में। तो हमारा क्या आश्चर्य है, शास्त्र कहते हैं शुष्यते सागर जलम, अरे प्रलय आता है तो सागर का जल भी सूख जाता है और जो बड़े बड़े पहाड़ है वो भी चकनाचूर हो जाते हैं। शरीरस्य का कथा, जिस शरीर का तुम्हें इतना गर्व घमंड है वो बहुत नगण्य है, तुच्छ है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, बुढ़ापे की ओर जा रहा है, बीमारी की ओर जा रहा है। तो इसलिए शरीर माध्यम बनाना होगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है? हाँ, इस शरीर को कृष्ण की सेवा में लगा देता है। प्रभुपाद ने कहा आप एक लाइफ कृष्ण को देखकर देखो, बस ट्राई करो। हाँ, एक ट्राई करो, एक लाइफ किसको दे दो? कृष्ण को दे दो। इससे पहले कई लाइफ हमने भौतिक जगत की सेवा में दे दी है,
वैसे प्रभुपाद कहा करते थे। तो हमारे लिए सरल है कि बहुत कुछ पहाड़ उठाने की आवश्यकता नहीं है, ठंड में कपड़े न पहनने की आवश्यकता नहीं है, प्रसाद पाकर हरे नाम लेते रहिए और कृष्ण का गुण गाते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितनी धीरे आवाज राधा कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समोसा चटनी के अरेंजमेंट उन्होंने कर लिए आपके लिए, इसलिए लाउड होना चाहिए राधा कुंड में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा कुंड की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। राज गोवर्धन की जय। श्री नितय गौर सुंदर की जय। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय। पावन श्रील प्रभुपाद की जय। नितय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।